नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित होने वाले काशी तेलुगु संगमम कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब तेलुगु भाषा तीर्थयात्री बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे हुए हैं। आज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की उस अपील पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वे यहां 11 बजे राजकीय प्रभा ओझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन तथा स्टाफ क्वार्टर्स का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद धीर देसर चोटियान पहुंचेंगे और शहीद नायक राकेश चोटिया की मूर्ति का अनावरण करने के बाद सोनिया सर गोदारान में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। साथ ही शहीद हेतराम गोदारा की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज एक बार फिर से रोहतक की सुनेरिया जेल से बाहर आ सकते हैं। उसे पैरोल मिलने की चर्चाएं तेज है क्योंकि आज ही के दिन डेरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है जिसके लिए सिरसा सहित अन्य डेरों में बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पूर्वजों के पिंडदान के लिए आज बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गया जी आएंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री विष्णु पद में राज्यपाल पिंडदान के कर्मकांड को पूरा करेंगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु के पावन कमल चरण का दर्शन पूजन करने के लिए भी मंदिर में जाएंगे। बारिश पंजाब दे के मुखी अमृतपाल सिंह आजकल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इस बीच उसके समर्थन में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि आज पंजाब के लोग रेलवे ट्रैक पर बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर खड़े कर दें क्योंकि ये मसला इस बार जमीन का नहीं जमीर का है। यूपी के बाहुबली और पूर्व वीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की आज मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है जिसमें मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे जहाँ शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक में रोड शो के अलावा 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले अब कोई माफिया किसी को धमकी नहीं दे सकता, जान बचाने के लिए गुंडे माफिया खुद ही जेल में चले गए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे जहां वे निकाय चुनाव के मद्देनजर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार के पूर्व मंत्री जनक राम ने आनंद मोहन की रिहाई पर महागठबंधन सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि कानून में संशोधन कर 27% से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ धोखा किया गया है। अपराधियों का डर भय दिखाकर सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र राज्य सरकार ने जो शुरू किया है उससे दलित समाज के लोग काफी आहत हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को लगा बड़ा झटका जहां रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उनके जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दी है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं जहां अमृतसर के कुल 28,560 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी जिसमें से 28,241 विद्यार्थी पास हुए। वहीं तरन तारण जिले में 13,505 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी जिसमें से 13,315 विद्यार्थी पास हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के समर्थन में तमाम विपक्षी राजनेता शामिल होने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को धरना स्थल पर पहुंचे। उधर हिसार से भाजपा सांसद ब्रजेश सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पहलवानों को सड़कों पर विरोध करते देखना निराशाजनक है। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ जिन्हें राज्यपाल की सहमति पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
छत्तीसगढ़ वन बल प्रमुख संजय शुक्ला के रिटायरमेंट के बाद 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव होंगे छत्तीसगढ़ के नए पीसीसीएफ, जहां वन विभाग ने उनका नाम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वहीं इन कॉलेजों के परीक्षा पर भी लगाई गई रोक बरकरार रहेगी। हिमाचल प्रदेश में चल रहा था फर्जी आधार कार्ड बनाने का जाल, यूपी से 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। G20 समिट को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां श्रीनगर शहर के विभिन्न हिस्सों में सीआरपीएफ के बंकर लगाए गए हैं। वहीं सम्मेलन को देखते हुए अब श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रीनगर शहर के रास्ते में बंकरों का सुंदरीकरण भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि मुंबई से सटे पालघर में 2 साधुओं के मामले की जांच जल्द ही सीबीआई को सौंप दी जाएगी। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुरू जिले के बनियाला में महंगाई राहत कैंप सहित प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया, साथ ही कहा कि गरीब और अमीर के बीच खाई कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।